नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन एमपीपीएससी वॉरियर करंट अफेयर प्रोग्राम। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने चुनाव से एक साल पहले अचानक इस्तीफा दे दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि पार्टी में समय के साथ दायित्व बदलते रहते हैं, भाजपा में स्वाभाविक प्रक्रिया है। मुझे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली जो मैंने पूरी की है। इससे पहले कर्नाटक के येदियुरप्पा, तीरथ सिंह रावत त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के और सोनोवाल असम के बदले गए हैं। उड़ीसा की मांडा भैंस को मिला इंडिजियस टैग मिला है। यह मांडा भैंस स्वदेशी और अद्वितीय प्रकार की है। इसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से संबंधित नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज ने मांडा भैंस को ये टैग दिया है। यह पूर्वी घाट उड़ीसा के कॉरपोरेट के पठार पर पाई जाती है। इसकी त्वचा भूरे रंग की ग्रे रंग की होती है। यह पैरों का निचला हिस्सा थोड़े हल्के रंग का होता है। पीएम मोदी ने सरदार फार्म का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी ने अहमदाबाद में सरदार धर्म भवन का उद्घाटन किया है। इस भवन में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले ग्रामीण इलाकों की लड़कियों और लड़कों को छात्रावास की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। पाटीदार समाज की ओर से विकसित इस कॉम्प्लेक्स में ट्रेनिंग, बोर्डिंग और रहने की सुविधा मिलेगी। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नीति आयोग और हेल्थ नेट ग्लोबल के जरिए तेलंगाना में शुरू हुआ है। इसके जरिए मेडिसिन का वितरण किया जाएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने भारत के 3 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की श्रेणी में रखा है। इनमें 3 गांव में शामिल हैं लदमपुरा खास गांव मध्य प्रदेश, कोंगथोंग गांव मेघालय, पोचमपल्ली तेलंगाना।